अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीएनएन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, शहबाज शरीफ ने कहा। मुल्क की तरक्की के लिए दही इलाकों को तरक्की देना होगी, पॉलिसियों में तसलसल के लिए मिसाक मीशत नागजीर है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का टास्क फोर्स बनाने का फैसला। सियाहत, फार्मा, आईटी, ई कॉमर्स, ज़रात और दीगर पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशियत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। किला सैफुल्ला के करीब वैन खाई में जा गिरी, बच्चों और 5 खवातीन समेत 22 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक अफराद और जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से ज़्यादा। कराची में 16 घंटे की लोड शेडिंग, इस्लामाबाद में 6, लाहौर में 8, पिशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मुल्क में बिजली की तलब 26,600 मेगावाट है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3.08 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 201.20 रुपये का हो गया है। मारू गुलुकार ने टोरंटो कॉन्सर्ट मनसूख कर दिया। जस्टिन बीबर कहते हैं, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये खुद कह रहा हूँ। उन्होंने सामाजिक रबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर बीमारी के हवाले से पोस्ट शेयर कर दी। कैनेडियन हुकूमत ने बैरूनी मुल्क सफ़र करने वाले लोगों को इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब देने के लिए Level 2 ट्रैवल हेल्थ नोटिस जारी कर दिया। मुसाफिरों पर बैरूनी मुल्क सफ़र करने के दौरान मंकी पॉक्स के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। पुलिस ने टोरंटो डंपस्टर से मुर्दा हालत में मिलने वाली छोटी बच्ची का स्केच जारी कर दिया। टोरंटो पुलिस का कहना है कि बच्ची के हवाले से लापता होने की इत्तला नहीं दी गई। ट्रंप को भी तोशाखाना केस का सामना, गैर मुल्की तहाइफ की तफसील ना बताने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की तहाइफ की मुकम्मल फहरिस्त महकमा खारजा के हवाले नहीं की। ईरान में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई, 17 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे का शिकार ट्रेन ईरान के शहर मस्जिद से यजिद जा रही थी कि उसकी 5 बोगियाँ पटरी से उतर गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वक्त कम है, तवील मुद्दती काम नहीं कर सकते। आज तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं, पॉलिसियों में तसलसल के लिए मिसाक मईशत नागुज़ीर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने दोस्त ममालिक और सरमायाकारों को नाराज़ किया, तुर्की और चीन से ताल्लुकात दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि मीसाक मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। मीसाक मईशत के तहत ऐसे अहदाफ तय किए जाएं जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। पॉलिसियों में तसलसल के लिए मीसाक मईशत नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कीमती वसाइल से माला माल होने के बावजूद मुल्क के लिए इस्तेफादा नहीं किया जा सका। अगर हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं तो ज़रई और सनअती क़ुव्वत क्यों नहीं बन सकते? ज़रई शोबा मुल्क की तकदीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी दरामदात पर पाबंदी लगाकर सालाना 2.5 अरब रुपए की बचत की। गैर तरक्याती अखराजात को कम करना होगा। वजारत आईटी को 2 साल में 15 अरब डॉलर बरामदात का हदफ किया है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुल्की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। सियाहत, फार्मा, आईटी, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ज़रात पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रई अजनास की पैदावार यकीनी बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख में पहली बार पॉलिसियों के तसलसल की बात हमने की है। पाकिस्तान की बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाल मजबूत बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 25 करोड़ 80 लाख डॉलर फंड्स की मंजूरी दे दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। फंड्स के जरिए सेहत की सहूलियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्लाहात की जाएंगी। ऐलामिया के मुताबिक सूबाई हेल्थ सिस्टम मजबूत बनाने में मदद दी जाएगी, जबकि हेल्थ केयर कवरेज, स्टाफ और अद्वियात की सप्लाई बेहतर बनाई जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में क्वेटा शो कौमी शाहरा पर एक खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 22 सफरा जाम बहक हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। किला सैफुल्ला में कौमी शाहरा पर मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 5 बच्चों और 5 खवातीन समेत 22 अफराद जाँ बहक और बच्चा जख्मी हो गया। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहाँ लोरालाई से रोक जाने वाली मुसाफिर वैन अख्तर जई अदोला के मकाम पर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में मुसाफिर वैन में सवार 12 मर्द, 5 खवातीन और 5 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। डीसी किला सैफुल्ला हाफिज कासिम काकर के मुताबिक हादसा अख्तर जई अदोला के मकाम पर पेश आया। रेस्क्यू अहलकारों, जिला इंतजामिया और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हादसे में जाबहक अफराद और जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हुकूमत के वादे वफा ना हो सके। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जों का तों। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। इस्लामाबाद में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रही, जबकि लाहौर में 7 से 8 घंटे, पिशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। कराची में शदीद गर्मी के साथ 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। सरजानी टाउन, न्यू कराची, लियारी, औरंगी टाउन, कारंगी, बल्दिया और लांडी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,307 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,293 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की तलब 26,600 मेगावाट है। पानी से 4,688 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,314 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 2.23 रुपये सस्ता हुआ, लेकिन फिर 1.41 रुपये का इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3.08 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 199.75 रुपये की सतह पर मौजूद रहा, लेकिन फिर 1.41 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 201.20 रुपये का हो गया है। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता रोज डॉलर 200.06 से बढ़कर 202.50 रुपये का हो गया था, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 205 से ज़ायद का फरोख्त हुआ। लेकिन फॉरेक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट के अख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 1.60 रुपये के इजाफे से 200.40 रुपये से बढ़कर 202.00 रुपये और कीमत फरोख 1.50 रुपये के इजाफे से 200.80 रुपये से बढ़कर 202.30 रुपये हुई, जबकि यूरो और पाउंड की कीमत भी 1.50 रुपये बढ़ गई थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।